एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाला हुआ था। वहाँ वह धुनी रमा कर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहो सो पाओ। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनता वे उस पर हंसता था। एक दिन एक बिरजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहो सो पाओ। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहो सो पाओ चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? तो साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। तो युवक बोलता है, बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं, क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? तो साधु बोलता है, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हाथ आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपने दोनों हाथ साधु के सामने रख दिया। साधु ने पहले उसकी एक हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकर लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो तो इसे धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के दो गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हरेक गुण सीख गया और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी।